एक नया वन ऑफ अ काइंड रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है देश में, जो बीच में से लिफ्ट हो जाता है नीचे शिप्स के जाने के लिए। रामेश्वरम के पास इस न्यू पाम्बन ब्रिज को बनाया जा रहा है, जो कि एक मॉडर्न इंजीनियरिंग मार्वल होगा। 500 करोड़ रुपए लगेंगे इसे बनाने में, जो आइकॉनिक स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिज बन जाएगा खुलने के बाद। 2 किलोमीटर लंबाई है पूरे ब्रिज की, जिसमें ये 72 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट सेक्शन मौजूद है। ये खुलने पर 22 मीटर ऊंचाई तक जा सकता है नीचे शिप्स के पास करने के लिए। पुराना ब्रिज जो इसके पैरेलल में है 110 साल पहले 1914 में बनाया गया था डबल लीफ बास्कुलर डिजाइन में, तो उसे रिप्लेस किया जाएगा इस नए ब्रिज से। पुराना पाम्बन ब्रिज देश का पहला सी ब्रिज था और सबसे लंबा सी ब्रिज भी 96 साल के लिए 2010 तक, जब मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक खुला इससे लंबा। काफी सर्व किया इसने रेलवे को, लेकिन अब कोरोजन और स्ट्रक्चरल वीकनिंग के चलते इसे और नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, इसलिए 2022 से बंद पड़ा है। नए ब्रिज को बनाने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, जो कि इसे ज्यादा मजबूत बनाएगा उसे, और 2 ट्रैक्स को भी हैंडल कर पाएगा। लेकिन क्या इसे एक नॉर्मल ब्रिज की तरह नहीं बनाया जा सकता था पिलर्स के साथ, ताकि शिप्स नीचे से आसानी से निकल जाए, ब्रिज को बार बार खोलना ना पड़े? इसके बारे में जानेंगे आगे। पुराने पाम्बन ब्रिज को बनाने का प्लान स्ट्रेटेजिक और प्रैक्टिकल दोनों कारणों की वजह से किया गया। ब्रिटिश प्रशासन तो इसे 1870 से ही सोच रही थी सेलोन, यानी आज के श्रीलंका के साथ ट्रेड बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहां से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर से ही उनका लैंड भी शुरू हो जाता है। उनका प्लान तो था इंडिया को सेलोन से रेलवे लाइन के जरिए जोड़ने का, धनुषकोडी से होते हुए, और वो ऐसा कर भी सकते थे क्योंकि दोनों इंडिया और सेलोन को वही रूल कर रहे थे। ट्रेड और पैसेंजर मूवमेंट के साथ उनका एम दोनों राज्यों में बेहतर कंट्रोल जमाना भी था। इसके इनिशियल फेजेस में काम शुरू भी हो चुका था, जब इंडिया की साइड से रेलवे लाइन को धनुषकोडी तक बनाया गया और सेलोन की साइड से तलेमन्नार तक, जो कि एक छोटा सा टाउन है। 1914 में पाम्बन ब्रिज के साथ ये दोनों स्टेशंस भी खुल गए थे, मगर इनके बीच 35 किलोमीटर लंबा ब्रिज नहीं बन पाया। प्लान्स बनाए गए और स्टडीज भी की गई, लेकिन उनमें इंजीनियरिंग डिफिकल्टीज, हाई कॉस्ट और हार्श मरीन क्लाइमेट के चलते आगे नहीं बढ़ पाए। यहाँ स्ट्रॉन्ग करेंट्स और फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स की वजह से स्ट्रक्चर स्टेबल ना रहता और काफी महंगा भी पड़ता उसे बनाना। कुछ साल बाद एक टनल बनाने का भी विचार हुआ सी के नीचे से, जैसे चैनल टनल है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, लेकिन ये आइडिया भी फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजिकली अनफीजिबल पाया गया और ड्रॉप कर दिया। जब तक ये सब चल रहा था, तब धनुषकोडी और तलेमन्नार के बीच फेरी चलानी शुरू कर दी गई, जिससे लोग और सामान को ट्रांसपोर्ट किया जाता। बोट मेल नाम से एक ट्रेन सर्विस चलने लगी मैड्रास से कोलंबो के बीच, जो बीच में फेरी से जुड़ी हुई थी। पैसेंजर्स एक टिकट खरीदकर पूरा रूट तय कर सकते थे, मैड्रास से धनुषकोडी तक ट्रेन में, फिर तलेमन्नार तक फेरी में, और आगे कोलंबो तक दूसरी ट्रेन में। वैसे तो फेरी सिस्टम सही था, मगर वेदर पर काफी निर्भर करता था। कभी तूफान आए तो फेरी नहीं चल सकती थी, लेकिन कोई और ऑप्शन भी नहीं था लोगों के पास। ये फेरीज चलती रही दोनों देशों की इंडिपेंडेंस के बाद भी, और कई लोग इसका इस्तेमाल करते थे। दोनों देश पहले से गरीब निकल कर आए थे आजादी के बाद, तो उनकी प्रायोरिटी नहीं थी एक ब्रिज या टनल बनाना, इसलिए कुछ काम नहीं हुआ इस पर। उसके बाद 1964 में एक भयंकर साइक्लोन ने धनुषकोडी का पियर और रेल लाइन दोनों को तबाह करके रख दिया। एक पैसेंजर ट्रेन भी पलट कर गिर गई तेज वेव्स की वजह से, 200 लोगों से ज्यादा की जाने गई इसमें। तब से ही धनुषकोडी वाला सेक्शन बंद पड़ा है, ट्रैक्स भी हटा दिए गए अब तो, और स्टेशन भी अब एक खंडर के रूप में दिखता है। बोट मेल का आखिरी स्टेशन रामेश्वरम हो गया फिर, और वहां से फेरी चलने लगी तलेमन्नार तक। 1983 में श्रीलंकन सिविल वॉर शुरू होने से तलेमन्नार और आसपास का रीजन डिसरिपेयर में चला गया और ट्रेन्स चलनी बंद हो गई वहां पे। उसी समय इंडिया ने भी फेरी सर्विसेज को रोक दिया सिक्योरिटी रीजंस के चलते, और आज तक वो शुरू नहीं हो पाई फिर से। इंडिया में बोट मेल अभी भी चलती है, लेकिन रामेश्वरम एक्सप्रेस नाम से। 665 किलोमीटर पूरा करती है ये 12.5 घंटे में और 20 स्टॉप्स के साथ। अब रिसेंटली जब से सिविल वॉर खत्म हुआ है, उसके बाद इंडिया और श्रीलंका को रेल या रोड से कनेक्ट करने की बात फिर से उठने लगी है। एक रेल कम रोड ब्रिज का आइडिया दिया कुछ एक्सपर्ट्स ने, और पॉलिटिकल लीडर्स ने भी उसको बढ़ावा दिया, जो आधुनिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस को भी ओवरकम कर पाए। उनके हिसाब से ट्रेड, टूरिज्म और कल्चरल एक्सचेंज काफी बढ़ेगा दोनों देशों के बीच, जो वर्थ इट होगा इसकी कॉस्ट के। मगर कुछ लोग एनवायरमेंटल डैमेज और नाजुक मरीन इकोसिस्टम के विनाश को लेकर भी चिंतित हैं। ये आइडिया ज्यादा सीरियसली कंसीडर नहीं किया गया दोनों गवर्नमेंट्स द्वारा, लेकिन फिर भी एक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है कुछ लोगों के बीच, जो इसे पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। वैसे तो अभी श्रीलंका के साथ रिश्ते अच्छे हैं इंडिया के, जो बेहतर कनेक्टिविटी से नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकते हैं, खासकर इस टाइम पर जब चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है वहां पर। तो यही मेन रीजन था पुराना पाम्बन ब्रिज बनाने का, मगर इसके बनने से बहुत फायदा पहुंचा है रामेश्वरम को, कि अब इसके बिना काम नहीं चल पा रहा, इसलिए नया चौड़ा रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है इसके साथ में। ब्रिज से पहले इकलौता तरीका रामेश्वरम जाने का था फेरी से, जिसमें बहुत समय लगता था और मौसम पर भी निर्भर रहता था। रेल कनेक्शन से इसका बेहतर
इकोनॉमिक, कल्चरल और सोशल इंटीग्रेशन देखने को मिला है बाकी देश से। यहाँ पर थ्राइविंग फिशिंग इंडस्ट्री मौजूद है जिस पर हजारों लोग निर्भर रहते हैं, साथ ही एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जैसे नारियल, इमली वगैरह भी इधर उगाए जाते हैं। इन सब के बेहतर ट्रांसपोर्टेशन से लोकल इकोनॉमी को काफी फायदा पहुंचता है जो पहले उन्हें फेरी से करना पड़ता था, काफी इनएफिशिएंट और महंगा। ब्रिटिश राज के लिए ये एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह भी थी श्रीलंका के पास होने की वजह से, ताकि वो अपना कंट्रोल बरकरार रख सके इस रीजन में। गुड्स के अलावा ट्रूप मूवमेंट भी देखने को मिलती थी इधर से। साथ ही रामेश्वरम में टूरिज्म भी बढ़ा, खासकर एक प्रमुख तीर्थ स्थल होने के कारण। रामनाथ स्वामी टेम्पल जो यहाँ मौजूद है 12 ज्योतिर्लिंग में आता है, हजारों लाखों तीर्थ यात्री आते हैं इधर हर साल। ब्रिज बनने से यहाँ पहुँचना और भी आसान बना और ज्यादा लोग आ पाए। इसकी कंस्ट्रक्शन में कई इंजीनियरिंग चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, टर्बुलेंट वाटर्स के ऊपर एक सॉलिड स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तेज हवाएं, टाइडल करेंट्स और सलीन एनवायरनमेंट ने काफी दिक्कतें पैदा की इंजीनियर्स के लिए। एक ऐसा मजबूत फाउंडेशन बनाना जरूरी था जो सालों तक इन हार्श कंडीशन में टिक सके। सीबेड भी इधर सॉफ्ट और अनप्रेडिक्टेबल था, जिसके लिए इनोवेटिव पाइलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया। एडवांस मटेरियल्स और मशीनरी से इसे बनाया गया जो अपने समय का इंजीनियरिंग मार्वल माना जाने लगा। शेजर रोलिंग लिफ्ट स्पैन या बेस्क्यूल सेक्शन बनाया गया बीच में, ताकि शिप्स पास कर सके नीचे से, क्योंकि ब्रिज की हाइट बहुत ऊंची नहीं थी, पानी के सरफेस से बस थोड़ी सी ऊपर 9 मीटर, जो बोट्स के लिए काफी नहीं थी। ये भी एक आधुनिक फीचर था तब, खासकर इंडिया में, जहां ऐसा पहला ब्रिज बना जो खुल सकता था बीच में से। 88 मीटर लंबा यह स्पैन कैंटिलीवर सिस्टम की तरह काम करता था, काउंटर वेट के साथ, जो दोनों छोरों पर मौजूद कर्व ट्रैक्स पर रोल बैक करता बीच में से सेक्शन को ऊपर उठाते हुए। मैनुअली ऑपरेट किया जाता इसे लीवर्स की मदद से, और कई दशकों तक स्मूथली काम किया इसने। पूरा ब्रिज 2 किलोमीटर लंबा है 145 पियर्स के साथ, और हर पियर को स्पेशली डिजाइन किया गया है। देश का पहला और सबसे लंबा सी ब्रिज बना, जो 2010 तक रहा बांद्रा वाली सीलिंग के खुलने से पहले तक। स्टील और कंक्रीट का इस्तेमाल किया मजबूत बनाने के लिए, और बीच के कैंटिलीवर स्ट्रक्चर को लाइट वेट रखा ताकि खुलने में ज्यादा दिक्कत ना आए। ये ब्रिज ना सिर्फ एक कनेक्शन था, बल्कि एक मिसाल बन गया आने वाले सी ब्रिजेस और रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए। मीटर गेज ट्रैक्स बिछाए गए ब्रिज पर, और 2007 में इसे अपग्रेड कर दिया गया ब्रॉड गेज में 5 फीट 6 इंच चौड़े। ब्रिज क्रॉस करके पाम्बन में लाइन 2 दिशाओं में बढ़ जाती थी, एक रामेश्वरम की तरफ 10 किलोमीटर और एक धनुषकोडी की तरफ 24 किलोमीटर आगे। 1964 में जब वो भयंकर साइक्लोन आया, तो इसने धनुषकोडी वाला स्ट्रेच तबाह कर दिया स्टेशन के साथ, और एक पैसेंजर ट्रेन को उलट दिया जिसमें 200 लोग मारे गए। पाम्बन ब्रिज भी डैमेज हुआ, जिसमें बाद में लंबे चौड़े रिपेयर का काम चला, फिर खुल गया। रामेश्वरम को बेहतर कनेक्ट करने के लिए 1988 में एक रोड ब्रिज बनाया गया इसके पैरेलल में, जिसके पिलर्स ऊंचे रखे गए ताकि शिप्स नीचे से निकल पाए। अगले कुछ सालों तक ये ब्रिज सही चलता रहा रेगुलर मेंटेनेंस के साथ। फिर 2009 में इसे और मजबूत बनाने का काम किया गया ई श्रीधरन के सुपरविजन में, ज्यादा भारी फ्रेट ट्रेन के लिए। 2013 में एक नेवल बार्ज के साथ एक एक्सीडेंट के कारण थोड़ा डैमेज हो गया ब्रिज, जिसको अपग्रेड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने 25 करोड़ रुपए लगाए। फिर 2018 में कुछ दरारें देखने को मिली इसपे, जिसे रेलवे ट्रैफिक को रोक दिया गया जब तक मरम्मत का काम पूरा नहीं हो गया अगले साल तक। ऐसी बढ़ती दिक्कतों और महंगी हो रही मेंटेनेंस से गवर्नमेंट को समझ आ गया कि इसका अंत पास आ रहा है, इसलिए काफी सोच विचार करके उन्होंने एक नया रिप्लेसमेंट ब्रिज प्लान किया 2020 में। जब ये सब चल रहा था, तभी 2022 में सारी ट्रेन्स को परमानेंटली रोकना पड़ा ब्रिज से, क्योंकि ये पाया गया कि उसका बेस्क्यूल सेक्शन जंग लगने से काफी कमजोर हो चुका है और कभी भी टूट सकता है। हार्श मरीन क्लाइमेट से पूरा करोड हो गया और भारी वेट नहीं हैंडल कर सकता था। 108 साल की ग्रेट सर्विस के बाद इसे फाइनली रिटायर कर दिया गया। इससे रामेश्वरम बिल्कुल कट ऑफ हो गया नेटवर्क से। अब आखिरी स्टेशन है मंडपम, जहां से रामेश्वरम के लिए लोगों को बस से जाना पड़ता है। इसे फिर से जोड़ा जाएगा नए ब्रिज के खुलने के बाद। न्यू पाम्बन ब्रिज भी अपने प्रीडिसेसर की तरह वन ऑफ अ काइंड ब्रिज होगा इंडिया में। पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज होगा, जिसमें एक सिंगल ट्रस स्ट्रक्चर को ऊपर नीचे किया जा सकेगा 2 लंबे पिलर्स की मदद से। लेकिन इसको ऐसा क्यों बनाया जा रहा है? क्या इसे पुराने बेस्क्यूल जैसा या फिर पैरेलल में रोड ब्रिज की तरह लंबे पिलर्स की मदद से नहीं बनाया जा सकता था? इसके भी कुछ रीजंस हैं। वर्टिकल लिफ्ट डिजाइन ज्यादा एफिशिएंट और मॉडर्न है, जो बेस्क्यूल के कंपैरिजन में ज्यादा तेज और आसान होता है ऑपरेट करना। इसके अलावा इसमें कम मूविंग पार्ट्स होते हैं, जो वियर एंड टियर हो सके या जंग लगे उनमें। कम कंपोनेंट से इसे डिजाइन करना भी आसान बना, और मॉडर्न मटेरियल्स का इस्तेमाल करके ज्यादा लंबी देर तक टिका रहेगा। बीच का स्पैन सीधा 22 मीटर तक ऊपर जा सकेगा, जो बड़े ऊंचे मास्ट वाली शिप्स को भी रास्ता दे पाएगा। और एक और खास बात की ये पूरा ऑटोमेटेड होगा, यानी कम से
कम मैनुअल लेबर की जरूरत। इसके अलावा लंबे पिलर्स वाला ब्रिज भी एक ऑप्शन था, लेकिन उसको बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा और समस्या का सामना करना पड़ता उन्हें। इस पूरे चैनल का सी बेड अनस्टेबल है, जिसमें बहुत गहरी फाउंडेशन बनानी पड़ती है पिलर्स के लिए। जितना लंबा पिलर उतनी गहरी फाउंडेशन। इधर साइक्लोन्स और तेज हवाओं का भी खतरा बना रहता है, जो लंबे पिलर्स को ज्यादा दिक्कत पहुंचाता है। उनको और मजबूत बनाने के लिए पिलर्स को बहुत मोटा बनाना पड़ता है, जो खर्चा और बढ़ा देता है 2-3 गुना ज्यादा और समय भी। लेकिन आप पूछेंगे कि साथ में जो रोड ब्रिज बन रहा है वो तो लंबे पिलर के साथ बना है, तो उसका क्या कारण है? 2-3 रीजंस हैं। पहला तो रोड ब्रिज इसकी तुलना में हल्का और सस्ता था, क्योंकि इसे 20 डिब्बों की ट्रेन का भार एक साथ नहीं उठाना होता, ट्रैफिक स्प्रेड आउट रहता है थोड़ा। दूसरा कि रोड व्हीकल्स को स्टीप ग्रेडियंट मैनेज करना थोड़ा आसान होता है, वहीं ट्रेन्स को काफी जेंटल ग्रेडियंट चाहिए होते हैं, 2-3% मैक्सिमम। तो ऊंचे ब्रिज के लिए काफी लंबे अप्रोच रैंप्स बनाने पड़ते हैं, जिनके लिए पुराने ट्रैक्स को हटाकर पूरा अर्थवर्क करके एम्बैंकमेंट्स भी बनाने पड़ते, जिनमें और टाइम और पैसा लगता। इसके अलावा ट्रेन्स का एक शेड्यूल होता है, जिसके हिसाब से ब्रिज खोला बंद किया जा सकता है, लेकिन रोड्स तो चलती रहती है लगातार, रोड ट्रैफिक को रोक कर ब्रिज खोलना ज्यादा मुश्किल साबित होता। तो इसलिए रोड ब्रिज को 24 मीटर हाइट पर बनाया, लेकिन रेलवे के लिए वर्टिकल लिफ्ट डिजाइन फाइनल हुआ। मॉडर्न, कॉस्ट इफेक्टिव और ड्यूरेबल होने के साथ ये पुराने ब्रिज की लेगेसी को भी जारी रख रहा है, पूरा सम्मान देते हुए। नए ब्रिज की डिटेल्स देखें तो इसकी पूरी लेंथ होगी 2 किलोमीटर की, बीच में 72 मीटर के लिफ्टिंग सेक्शन के साथ, 99 स्पैन्स होंगे टोटल 18.3 मीटर लंबाई के, और पानी से 12.5 मीटर ऊपर होगा, पुराने ब्रिज से लगभग 3 मीटर और ऊंचा। ब्रिज पर दो ट्रैक बिछाए जाएंगे दोनों डायरेक्शन के लिए, जबकि पुराने वाले में सिर्फ एक ही ट्रैक होता था, तो एक समय में एक ही ट्रेन पास कर सकती थी इससे, इसलिए नए ब्रिज में सर्विसेज भी बढ़ पाएंगी। हाई स्पीड और मॉडर्न ट्रेन के लिए भी डिजाइन किया गया इसे, जैसे वंदे भारत, तेजस वगैरह। 535 करोड़ रुपए लगेंगे इसके पूरा होने तक, जिसकी काफी इंजीनियरिंग सरकारी एजेंसी रेल विकास निगम लिमिटेड ने की। ज्यादा मजबूत बनाया गया है, हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट और दूसरे कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल करके, ताकि ये रफ सीज और हाई विंड्स में भी टिका रह सके कम से कम अगले 100 सालों के लिए। एक ट्रैक तो बिछ भी गया है और ट्रायल्स रन शुरू हो गए हैं अक्टूबर से, अगले कुछ महीनों में खुल भी जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। रामेश्वरम, जो 2 सालों से रेल नेटवर्क से कटा हुआ है, वो भी दोबारा जुड़ जाएगा। साथ ही रामेश्वरम रेलवे स्टेशन को भी अपग्रेड किया जा रहा है मॉडर्न स्टेशन में, ताकि टूरिज्म, ट्रेड और पिलग्रिमेज में बढ़ोतरी देखने को मिले। अमृत भारत स्टेशन स्कीम्स के अंदर ये किया जा रहा है 90 करोड़ रुपए में। रिसेंटली कुछ और ब्रिजेस भी बने हैं देश में, जो अपने आप में काफी यूनिक और वर्ल्ड क्लास है, जैसे चेनाब ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर में। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, नीचे रिवर से 359 मीटर ऊपर। कटिंग एज इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके ये अचीव कर पाई रेलवे डीप वैली को क्रॉस करने के लिए। स्टील आर्च ब्रिज है ये, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज भी बना देता है। पूरा ब्रिज 1.3 किलोमीटर लंबा है और बीच वाला मेन स्पैन 467 मीटर का। इसी साल जून में खुला है ये। चेनाब नदी के ऊपर बना है कटरा से 20 किलोमीटर आगे, और नए बन रहे USBRL प्रोजेक्ट यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का पार्ट है ये। देश के रेल नेटवर्क को श्रीनगर और बारामूला तक एक्सटेंड करने के लिए बनाया जा रहा है ये प्रोजेक्ट, जो पहले जम्मू में ही खत्म हो जाता था। 340 किलोमीटर की रेल लाइन डिफिकल्ट माउंटेनस टेरेन से विशाल ब्रिजेस और टनल्स की मदद से पूरी की जाएगी और खुल जाएगा पूरा रूट। टूरिज्म और ट्रेड के साथ ये एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुमूल्य होगा, जब ट्रूप और रिसोर्स मूवमेंट तेजी से की जा सकेगी, स्पेशली सर्दियों में। चेनाब ब्रिज और USBRL के बारे में हमने डिटेल में बात की है इस वीडियो में, देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। दूसरा ऐसा ब्रिज है बोगीबील ब्रिज असम में। ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर लंबा ये रोड कम रेल ब्रिज ऐसा सबसे लंबा ब्रिज है देश में और दूसरा एशिया में। ब्रह्मपुत्र नदी को क्रॉस करता है डिब्रूगढ़ सिटी को धेमाजी डिस्ट्रिक्ट से जोड़ते हुए। डबल डेकर स्टील ट्रस है इसमें, जिसके ऊपर 2 लेन की रोड और नीचे वाले डेक में रेलवे ट्रैक मौजूद है। ट्रैवल टाइम्स कम करने के साथ डिफेंस मूवमेंट आसान बना दिया है इसने, जब से खुला 2018 में। इसके अलावा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में एक मिसिंग लिंक कॉरिडोर बन रहा है घाट्स के बीच में से, जिसमें ये स्टेट ऑफ द आर्ट केबल स्टेट ब्रिज भी बनाया जाएगा। मिसिंग लिंक से लोनावला के अराउंड जाकर खंडाला घाट सेक्शन को बाईपास किया जाएगा, जिसमें कंजेशन हो जाती है स्टीप ग्रेड की वजह से, इसलिए ट्रक्स और हेवी व्हीकल्स पूरा स्लो कर देती है ट्रैफिक को। तो इसलिए ये बनाया जा रहा है 13 किलोमीटर का कॉरिडोर, जो उस पूरे एरिया को बाईपास कर देगा। 2 टनल्स और एक ब्रिज बनेगा इसमें हिली टेरेन को काटते हुए। ब्रिज में 2 बड़े पायलॉन्स केबल की मदद से नीचे डेक को सपोर्ट करेंगे। 300 मीटर का मेन स्पैन होगा, बांद्रावली सीलिंग के मेन स्पैन से भी बड़ा, और टोटल ब्रिज की लंबाई होगी 750 मीटर की। पुराने रूट में जहां 4% स्टीप ग्रेडियंट था, यहां 2% होगा मैक्सिमम, जिससे व्हीकल्स तेज नॉन स्टॉप चल पाएंगी। टोटल 20-30 मिनट का समय बचेगा। MSRDC से बनवा रही है 4,800 करोड़ रुपए में, और बनने में 2 साल और लगेंगे।
अगर आपको हमारी वीडियोस की क्वालिटी पसंद आ रही है तो प्लीज हमारा मेंबर बनना कंसीडर करें। आपके सपोर्ट से हम ऐसी और बेहतर क्वालिटी की वीडियोस बनाते रह पाएंगे। या तो आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या हमारे बनाए मैप्स को खरीद के हमें सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।